हाय फ्रेंड्स, वेलकम टू क्रेजी फॉर फूड। मैं हूं तनुजा शर्मा और आप देख रहे हैं मेरा चैनल क्रेजी फॉर फूड। मैं अक्सर आपको लाइव भी मिलती हूं और अक्सर मैं आपसे रेसिपी शेयर करती हूं और बहुत ही सिंपल रेसिपी शेयर करती हूं जो घर के सामान से ही बन जाती है। तो आपको अगर मेरी रेसिपी पसंद आती है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें और बेल आइकन को जरूर प्रेस करें जिससे जो भी अपडेट आए वो सबसे पहले आपको मिले। आज हम बनाने जा रहे हैं ग्वाल की फली की सब्जी। तो ग्वाल की फली को हमने पहले से बॉईल कर लिया है। अब हमने इस पे गैस को जला के उस पे कढ़ाई को रख लिया है। यहाँ हम आयरन की कढ़ाई में बनाएंगे क्योंकि आयरन की कढ़ाई में ग्वाल की फली का टेस्ट बहुत अच्छा आता है। तो चलिए कढ़ाई का पानी जरा सूख जाए, उसके बाद हम इसमें आगे की प्रोसेस करते हैं। तो चलिए हम डाल लेते हैं इसमें लगभग 4 टेबल स्पून सरसों का तेल, क्योंकि हमने आधा किलो ग्वाल की फलियों को छील के काट के बॉईल कर लिया है अच्छे से धोकर। देखिए इसमें हम थोड़े से मसालों का उपयोग करेंगे, तो ये मसाले आप देख लीजिए। इन मसालों का उपयोग हम इस सब्जी को बनाने में करेंगे और साथ में ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट है, हम इसको भी इसमें इस्तेमाल करेंगे। तो ये तेल हमारा गरम हो गया है, तो सबसे पहले हम इसमें आधा टीस्पून मेथी दाना डाल लेते हैं और इसको अच्छे से तड़का लेते हैं। इसके बाद हम इसमें ये लहसुन मिर्ची का पेस्ट डालते हैं। साथ में हम डाल लेते हैं थोड़ी सी ये लाल मिर्च, इसके साथ ही हम इसमें हल्दी डालते हैं। और लगभग 1/4 टीस्पून हींग डाल देते हैं। ये तड़का बनके तैयार हो गया है। अब हम इसमें बॉयल ग्वाल की फली डाल देते हैं। गैस की फ्लेम को हम हाई रखेंगे। मिला देंगे इसको। अब हम इसमें 1 चम्मच धनिया पाउडर डाल देंगे। साथ ही हम 1 चम्मच गरम मसाला पाउडर डाल देंगे। अच्छे से चला देंगे। इनको हमने प्रेशर कुकर में पहले से उबाल लिया था और उबालते समय हमने इसमें 1/2 कटोरी पानी डाला था, तो इनको हम लगातार चलाते हुए तब तक इनको उबालेंगे जब तक कि इनका ये पानी नहीं सूख जाता है, क्योंकि ये सब्जी सूखी होती है। अगर इनका पानी सूख गया है तो ये खाने के लिए बिल्कुल तैयार हो जाएगी।
पानी अब बिल्कुल सूखने लगा है। अगर नहीं सूखता है तो आप इस तरह से चारों तरफ सब्जी करके बीच में थोड़ा सा जगह कर दें, उसमें जो भी एक्स्ट्रा पानी होगा वो आ जाएगा और वो थोड़ी देर में अपने आप ही सूख जाता है। देखिए जो एक्स्ट्रा पानी है वो बीच में आ गया है, चारों तरफ को हमने सब्जी कर दी है। सब्जी पहले से हमारी बॉइल्ड है, उसको ज़्यादा हमें नहीं गलाना है, सिर्फ ये पानी सुखाना है। अगर आप फलियों को कच्चा ही काट के छोंकते हैं तो आप ढक के कम से कम 5 मिनट तक पकाएं। पानी गल गया, पानी निकल गया एकदम। देखिए पानी बिल्कुल नहीं है बीच में, अभी इसका पानी एकदम सूख गया है। अभी हम इसको 2 मिनट तक और चलाते हैं, भूनेंगे जिससे सारे मसाले अच्छे से सब्जी में मिक्स हो जाए। यहाँ पर आप चाहे तो इसमें आधा नींबू निचोड़ सकते हैं, फलियों को खट्टा करने के लिए नींबू निचोड़ सकते हैं इसमें। इसके बाद हम इनको अच्छे से मिला देंगे। सब्जी बिल्कुल तैयार हो गई बनके। अब चलिए हम इसको एक प्लेट में परोस लेते हैं। सब्जी के लिए एक बाउल ले लें और बाउल में निकाल लें। तो देखिए हमारी गर्मा गर्म ग्वाल की फली की सब्जी बनके बिल्कुल तैयार है सर्व करने के लिए। तो इसे आप इसे रोटी, नान, चावल या दाल चावल के साथ साइड सब्जी के तौर पे खा सकते हैं। वैसे रोटी, पूरी, नान अथवा चपाती किसी के साथ भी ये खाइए, और साथ में थोड़ा सा दही लीजिए तो ये खाने में आनंद।